Yes. Yes, friends, good evening. Myself Santoshi Das and wife to an amazing husband and mother of a beautiful daughter and love to be with my family and I am a health enthusiast. हेल्दी रहना पसंद है और अभी मिशन में काम कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को हेल्दी लाइफ के तरफ ले जाने के लिए थ्रू रिवाम नेशन. रिवाम नेशन इज द हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी दैट वर्क्स ऑन चेंजिंग द हेल्थ पीपुल्स हैबिट्स टू हेल्दी हैबिट्स. एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए जो जो सारे हैबिट्स चाहिए वो सब लोगों के अंदर डालने के लिए रिवाम नेशन काम कर रहा है. और जैसे अभी वुमेन्स मंथ चल रहा है ना, कल 8 मार्च था इंटरनेशनल वुमेन्स डे और अभी चारों तरफ ये नारा चला है हेल्दी वुमेन कैन क्रिएट ए हेल्दी वर्ल्ड, है ना. तो उसी सिलसिले में आज हम लोगों का सेशन थ्रू बाय रिवाम नेशन वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए सेशन ऑन वुमेन हेल्थ. और हमारे पास एक्सपर्ट स्पीकर हैं जो कि एक डॉक्टर है आयुष एमओ इन केसिंगा ब्लॉक और सी इज ए ट्रेनर फॉर मेनी हेल्थ प्रोग्राम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रिलेटेड टू वेल बी लाइक ईट राइट इंडिया, एडोलेसेंट हेल्थ, लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम एंड मेनी मोर. बहुत बड़ा प्रोफाइल है उनका और ओडिशा गवर्नमेंट के वो एक बेस्ट ट्रेनर है और ऑलरेडी उनका इंटरव्यू हमारा ऑल इंडिया रेडियो में हो चुका है. हेल्थ टॉपिक से ऊपर बहुत सारे वो इंटरव्यू दे चुके हैं. बहुत सारे लोगों को हेल्दी लाइफ के लिए इंस्पायर कर रहे हैं और वो क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव दोनों तरफ लोगों को मैसेजेस दे रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं. तो विथ योर बिग क्लैप वी आर सो फॉर्चुनेट कि आज हम उनके बिजी शेड्यूल से कुछ टाइम निकाल के वो आज हमारे पास आए हैं टू इंस्पायर अस टू गिव सम नॉलेज टू अस टू हाउ ए वुमेन कैन स्टे हेल्दी एंड मेक मेनी मोर वुमेन हेल्दी, है ना. तो लेट मी वेलकम विथ योर बिग क्लैप. आप जोरदार क्लैप दे सकते हैं और अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं. तो जोरदार क्लैप के साथ लेट मी वेलकम डॉक्टर प्रतिभा राय ऑन स्क्रीन. ओवर टू यू मैम. थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। यस यस मैम, लेट्स स्टार्ट. गुड इवनिंग माय डियर लेडीज, बिलेटेड हैप्पी वुमेन्स डे। ऑन दिस ओकेजन आई एम अटली ग्रेटफुल टू मिसेस संतोषी दास, वन ऑफ द डायमंड लीडर एंड एन अमेजिंग लेडी हरसेल्फ, वी who gave me the opportunity to spend some times with you, the dynamic ladies. I'm going to talk about the women health, but before telling the health, I would like to share some words about woman herself. A woman can be many things, including a dreamer, a achiever, a doer, like you all. God has blessed her with many qualities, some even better than the men. She can give you more even, she can give you less. She makes home the society when she is determined and devoted. She can do anything when she put her minds into that matter or put her heads to that matter. But while God giving the woman more everything, that more including the many diseases. So, in comparison to men, women suffer a lot of disease. जैसे आज हम जानते हैं, महिला हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे हैं। बात ये है कि महिला अपने एक पहचान बना चुकी है सोसाइटी में। बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, महिलाओं के जीवन बहुत ही टफ रहता है, संघर्ष वाला जीवन रहता है। कभी उसको बेटी बनना पड़ता है, कभी बहू, कभी सास, कभी माँ, कभी दादी। वो हर इवेंट को या हर किरदार को अच्छी तरह वो निभाती है। वो
वो हर किरदार को अच्छी तरह निभाने के लिए वो अपने सेहत के ऊपर कुछ मुद्दे ऐसे जो वो नेग्लेक्ट कर जाती है, और उसमें से एक बहुत बड़ी मुद्दा अपनी सेहत। जैसे हम जानते हैं जहां सेहत है वही सब सही है, तो हम आज आपको कुछ ऐसे चीज बताएंगे जो हमको प्रिकॉशनरी एज ए प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए। एज यू नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज आप जानते होंगे जो सारे हॉस्पिटल के नाम PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर था उसका नाम चेंज हो गया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो गया। गवर्नमेंट की यही प्रपोजल है आदमी को मरीज ही नहीं बनाए, वो रोगी होगा तब वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर को आएगा। अभी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जैसे मैडम बताए अवेयरनेस इन एवरी फील्ड, वी जेनरेट अवेयरनेस ओनली। अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो इंसान बीमार ही नहीं पड़ेगा, अगर बीमार नहीं पड़ेगा तो उसको हॉस्पिटल दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तब वो चीज करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करे तो ग्रासरूट लेवल में वो हर PHC जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर था उसके नाम चेंज कर दिए, अभी उसके नाम और भी चेंज कर दिए उसको आरोग्य मंदिर। हैं वो हमारे भगवान है और हम पंडित हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हम ऐसे करेंगे अभी कि हम अपना अवेयरनेस जनरेट करेंगे कि आदमी और बीमार कम पड़े, पड़ेगा नहीं ऐसे तो हम बोल ही नहीं सकते, लेकिन जितना हो सके वो रिड्यूस द रिस्क फैक्टर। अगर मैं पहले बोलूंगी हमको क्या क्या करना चाहिए तो इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हम नहीं जानते हैं कि नहीं करने से क्या प्रॉब्लम आएगा तब तक आदमी एवर नहीं होता। ये कि ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब हम जानेंगे आगे खाई है तब हमको पता चलेगा कि हमको कैसे चलना है। अगर हम पहले बताएंगे कि ऐसे चलना है वो बात को शायद कोई इतने ध्यान से सुनेंगे नहीं कि मानेंगे भी नहीं। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो एज है वुमेन्स एज डिवाइडेड इनटू मेनी फेजेस। जब बच्चा पैदा होता है पैदा से लेके मरने तक उसके डिफरेंट डिफरेंट फेज में डिफरेंट डिफरेंट डिजीज वो अफेक्टेड होता है। जैसे बच्चा पैदा होता है वो बेटा हो या बेटी अप टू 5 इयर्स उनकी हेल्थ सेम रहता है, आप बोल सकते हैं 8-9 साल तक सेम रहता है। जब प्यूबर्टी शुरू होता है लेडीज के लिए मतलब महिला के लिए प्यूबर्टी एज 8 इयर्स टू 13 इयर्स और मेल के लिए 9 इयर टू 14 इयर्स, तभी हमारे बीच डिफरेंसेशन और डिफरेंट क्रिएट हो जाता है। जैसे प्यूबर्टी चेंज होता है, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस। जब प्यूबर्टी चेंज होता है लड़कियों में 8 साल से प्यूबर्टी चेंजेस शुरू होता है, तभी से प्रॉब्लम शुरू होता है। अगर उसी समय हम अवेयरनेस क्रिएट करें, हेल्थ हाइजीन मेंटेन करें, विटामिन मिनरल्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड खाए, तो हमें बहुत सारी चीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे प्यूबर्टी एज में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज मेंटल चेंजेस। जो बच्चे को उस समय ग्रोथ होता है, सेक्सुअल ऑर्गन की ग्रोथ होता है, प्यूबर्टी हेयर की हेयर ग्रोथ होता है, वो उस चीज को बर्दाश्त कर नहीं पाती है। उसके बाद उसके आज के बच्चे बहुत जल्दी पीरियड्स हो रहे हैं, इवन ऑल्सो बच्चे इतने जल्दी आते हैं वो क्लास 4th में है, 3rd में है, एट एज ऑफ 8 और 9 ईयर में भी उनकी मेनार्की शुरू हो रहा है, जबकि हम जानते थे मेनार्की स्टार्ट फ्रॉम एज ऑफ 14 14 टू 15, लेकिन आज के बच्चे 9 क्लास 9 9 ईयर्स में, जबकि बच्चा क्लास 4th में है और 5th में, आई थिंक 5th में, तब नहीं, नो 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 आई थिंक क्लास अभी तो 6 साल का हो गया है, तो बच्चा 3-4 साल का जब रहता है उसका पीरियड शुरू हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं जब बच्चे
दो तीन क्लास में रहेंगे, क्लास स्टैंडर्ड 3 में रहेंगे और उनके पीरियड हो जाएगा, वो कैसे उस चीज को हैंडल कर पाएंगे? तो अभी हमको इसीलिए बताया जा रहा है, फर्स्ट पेरेंट्स एवर होंगे, पेरेंट हेल्थ कॉन्शियस होंगे तो बच्चों को उसी हिसाब से एवर कर पाएंगे। शुरू से ही वो बच्चों को थोड़ी थोड़ी इस चीज को, आप सुने होंगे कि गवर्नमेंट को एडोल्स एंड हेल्थ को स्कूल में कोर्स में इंक्लूड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक ऑर्डर गया था, लेकिन उसमें रिजेक्ट हो गया। बट सम एक्सटेंट व्हेन वी स्टार्ट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन आवर बुक्स इन क्लास 8 9, तब तो हम वही चीज पढ़ते हैं। तो पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी बन जाती है बच्चों को पहले से ही उस चीज को एवर कराए कि ऐसे हो सकता है, ऐसे सबको होता है, डोंट फील इनफीरियर, क्योंकि बच्चे उस समय सबसे दूर होना पसंद करते, वो धीरे धीरे बैक बेंचर हो जाते हैं। और बच्चे इतने उस समय डेलिकेट रहते हैं, उस समय उनको हाई प्रोटीन फूड्स, विटामिन्स, आयरन्स, देन मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और उसी समय ही बच्चे खाने के लिए यूजुअली परेशान करते हैं, टिफिन ले जाते हैं स्कूल से और खा के नहीं आते हैं। तो ये एक बहुत क्रूशियल पीरियड है। अगर उसी समय ही हम उनको अच्छे से देखभाल करेंगे, उनकी डाइट, उनकी न्यूट्रिशन, उनकी एवरी हाइजीन, हैंड हाइजीन से लेके सेक्सुअल ऑर्गन की जो हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाता है, वो सब चीजें उनको हमको बताना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि ये हो गया आपको 8 to 13, देन द 13 ईयर्स में आपकी हार्मोनल चेंज होता है। उसी समय ऐसे बहुत सारे चीज उनके मन में आते हैं, तो हमको बच्चे के साथ पहले से ही फ्रेंडली बनना पड़ेगा। ए मदर मस्ट बी ए बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी डॉटर, अपने डॉटर की आपको बेस्ट फ्रेंड शुरू से बनना पड़ेगा। उसके साथ अपने हर फीलिंग उतनी लिबर्टी देना पड़ेगा, वो अपने हर चीज जैसे आपके साथ वो शेयर कर पाए। फ्रॉम डे वन जब से वो स्कूल जा रहे हैं, तभी से ही वो स्कूल से आने के बाद आप उनको इंटरोगेट मत करिए, लेकिन उनको हर छोटे छोटे चीज उन्हीं के साथ डेफिनेटली डिस्कशन करिए कि वो कर क्या रहे हैं, वो चाहते क्या है, उनके मन में क्या आ रहा है, ये सब चीज उनको आपको उन्हीं के साथ आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। क्योंकि इसी समय मासली हार्मोनल चेंजेस होता है, वो सब चेंजेस के लिए बच्चे इसको इतने जल्दी टॉलरेट कर नहीं पाते हैं। और उसके बाद आपके आफ्टर 19 एज से लेके आपकी 39 एज तक ये और एक पीरियड एक महिला का चलता है। उसी समय बहुत सारे गाइनिकल प्रॉब्लम जो है उसी समय उनको आता है, उसके साथ साथ उनके सोशल प्रॉब्लम भी उसी समय ही शुरू होता है। देन आपकी जैसे एनसीडी डिजीजे उसी समय ही शुरू होता है। फिर आपकी एज 42 49 तक एक एज रहता है, देन 49 to 65 तक एक एज फेज रहता है, उसी में उसको किसी किसी डिजीज की ज्यादा इफेक्टेड होने की चांसेस रहता है। लेकिन मेल में ऐसे नहीं होता है, उनकी प्यूबर्टी एज शुरू हो जाता है 9 to 19, 9 to 14 एंड एडोलसेंट एज अप टू 19। उसके बाद उन्हीं की 19 to लेके 65 एक ही चीज एक ही फेज चलता है। तो ये सब चीज को लेके हम पहले डिस्कशन करेंगे आज कि यूजुअली व्हाट आर द कॉमन डिजीजेस दैट इफेक्ट द वुमेन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। सिंड्रोम, व्हाट इज सिंड्रोम? जैसे हम किसी चीज को बोलते हैं डिजीज है और किसी चीज को बोलते हैं सिंड्रोम है, तो सिंड्रोम क्या है और डिजीज क्या है? डिजीज जब कोई एक डिजीज के लिए कुछ सिम्टम रहता है, एज इफ मुझे मलेरिया हुआ, मुझे हेडेक होगा, सिवरिंग होगा, हेडरिंग होगा, बॉडी एक होगा, ये सब जिस तरह से माउथ रहेगा, ये हो गया डिजीज। मुझे टाइफॉइड हुआ, मुझे टाइफॉइड हुआ तो कैसे हो रहेगा? इट मे बी माइल्ड फीवर, देन इट इज स्टेपिंग फीवर, उसके साथ वॉमिटिंग होने के चांसेस है, लूज मोशन होने के चांसेस है, गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट होने के चांसेस है, ये हो गया आपका डिजीज। लेकिन सिंड्रोम, व्हाट इज सिंड्रोम?
सिंड्रोम मतलब कोई भी चीज हो सकता है। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में आप देखे होंगे तो 40% ऑफ द गर्ल्स और वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। आज हर एक ही मुंह में कॉमन डिजीज पीसीओएस। आपको क्या हुआ है? नहीं, मुझे पीसीओएस हुआ है। कैसे पता चला? डॉक्टर बोले अल्ट्रासाउंड हुआ है पीसीओएस, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीजेस। सब चीज को होता है, सभी को होता है 40%। अभी वो 40 नहीं रहा, वो बढ़ के 60-65 तक पहुंच गया है पीसीओएस। तो जब पीसीओएस होता है तो जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रहा है, पीरियड्स लेट हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, डिसमेनोरिक पेन होता है, तो डॉक्टर आंख बंद करते हैं, बोलते हैं आपको पीसीओएस हुआ है। तो पीसीओएस के लिए डॉक्टर को जब पूछा जाता है या डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन करते हैं, आप सुने होंगे पहले बोलते हैं एक्सरसाइज। पीसीओएस की जो ट्रीटमेंट है वो एक्सरसाइज। अभी हर डिजीज के ऊपर, हर जो भी बीमारी हो रहा है, सभी में पहले डॉक्टर का एडवाइस। अभी हम हमारा हॉस्पिटल एक एनक्वास बोल के नेशनल क्वालिटी एश्योर सर्टिफिकेट एक रिवार्डेड हुआ, तो उसमें हमको सिर्फ यही चीज बताया गया। पहले हम पेशेंट को देखते थे, मेडिसिन लिख दिए, काम खत्म, पेशेंट ले जाएगा, मेडिसिन खाएगा, खाया खाया, नहीं खाना का सब ठीक। लेकिन अभी नहीं, अभी जो फर्स्ट पार्ट है डिजीज में, दैट इज काउंसलिंग। वो डॉक्टर उतना अच्छा है जो जितना ज्यादा काउंसलिंग वो कर पाता है। तो जैसे प्री मेंस्ट्रुअल जो सिंड्रोम रहता है उसमें कॉमन प्रॉब्लम रहता है, वो क्या कॉमन प्रॉब्लम है? उस समय बेस्ट टेंडरनेस रहेगा। आप देखिए होंगे बहुत सारे हमारे पास जैसे आते, बहुत कॉमन है, जैसे ब्रेस्ट में लंप हो जाता है। जैसे हम सुने ब्रेस्ट में लंप हो जाता है तो कैंसर की सिम्टम्स है। नो, नॉट एग्जैक्टली ऑलवेज दैट। वो हम छूने से भी हमको पता चलता है कि कैसा है वो, किस टाइप का, उसका कंसिस्टेंसी कैसी है। मतलब अगर वो हार्ड है, उससे रफनेस आ रहा है, अनमूवेबल, मूव नहीं कर रहा है, तो वो डाउट अबाउट दैट, दैट इज मे बी कैंसर, बट एज मस्ट बी 35+। बट मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं एट एज ऑफ 13, सॉरी एट ऑफ 16, 17, 19, 22, बिफोर मैरिज, अनमेरिड गर्ल, उनके ब्रेस्ट में सारे लम्स हैं। किसी किसी को क्या होता है, पीरियड से पहले टेंडरनेस आ जाती है, बिफोर 10 to 15 days ऑफ द मेंस ब्रेस्ट बिकम हार्ड, इट्स स्वेलन लाइक केक एंड इट्स सो पेन इन मोशन ऑल्सो, चलने फिरने से भी उसी की ब्रेस्ट में पेन होता है। दिस इज ऑल ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन जो चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स, ये उसी सब चीज से ब्रेस्ट में टेंडरनेस आती है। और उसके साथ साथ जैसे हम देखेंगे उस समय बच्चों को एक्ने होता है, पिंपल्स होती है, बहुत परेशान रहते हैं बच्चे कि पिंपल्स हो रहा है, दाग रह रहा है, पिंपल्स हो रहा है, वो भी हम किसी बच्चे को बोलते हैं ये प्यूबर्टी एज तक, टीन एज तक, 19 तक बहुत ज्यादा रहेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू, आपको बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, ऑयली फूड को अवॉइड करेगा, सबसे ज्यादा आपको ट्रांस ऑयल, आप सुने होंगे व्हाट इज ट्रांस ऑयल। जैसे हम खाना खाते हैं घर में, जो हम कोई भी चीज तला भुना खा लेते हैं, उस इतना ज्यादा उसका असर खराब नहीं रहता जितना हम बाहर से समोसा, फास्ट फूड, जंक फूड, स्ट्रीट फूड खरीद के खाते हैं। क्योंकि बाहर में जो स्ट्रीट फूड बनता है उसका कढ़ाई में कभी तेल साफ नहीं होता, दैट इज कॉल्ड ट्रांस ऑयल। उस ट्रांस ऑयल में कैंसर होने की और बहुत सारी डिजीजेस जो है वो होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमको वही चीज को उनको अवॉइड करने के लिए बोलना पड़ेगा, और सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर, हेल्दी वाटर उन सबको पीना जरूरी है। उसके साथ आप सुने होंगे सब कोई आके बोलते क्राम्प्स, ड्यूरिंग पीरियड क्राम्प्स होता है, दैट इज डिसमेनोरिक पेन ड्यूरिंग पीरियड। किसी को बिफोर पीरियड होता है, किसी को ड्यूरिंग पीरियड होता है, और किसी को कंटिन्यू फीवर, मतलब पीरियड के समय 5 दिन तक भी उसको पेन होता है। मेरे पास एक बार एक कालकाटा से पेशेंट आई थी, मतलब वो 5 दिन पूरा लाइट बंद करके ऐसे बेड में पड़ी रहती है, सिंपल
मूवमेंट से अगर उसके हेयर भी हिलते हैं तो उसको पेन होते हैं। ये सब हार्मोनल है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज कम होता है तो आपको ये सारे पेन क्रैम्स होने की, बहुत सारे हर चीज में मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं, कोई भी एनाल्जेसिक कभी ठीक नहीं होता, कभी सही नहीं होता। तो हम जितना चाहेंगे अपना न्यूट्रिशन, अपना सेफ वाटर और एक्सरसाइज, जितने बीमारी हम कम कर सकते हैं उतना बेटर रहेगा। उसके बाद आया, जैसे उसी समय डिस्मिनरी पेन जब चलता है उसके साथ साथ स्टोमक पेन भी होता है, किसी को लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, किसी को अपर एब्डोमेन में पेन होता है, एसिडिटी प्रॉब्लम होता है, ब्लॉटिंग होता है, क्रैविंग्स फूड भी रहता है, और किसी किसी को बहुत ज्यादा हेडेक होता है, और सबसे बड़ी बात पेशेंट डिप्रेशन में भी रहता है ड्यूरिंग पीरियड, वो चिड़चिड़ी रहती है, हर छोटे छोटे चीज में वो चिड़चिड़ आती है, स्कूल जाने के लिए नहीं चाहती है, उसको डिस्कम्फर्ट उसी चीज के लिए रहता है, और ओवरऑल ये सब होने के बाद पेशेंट क्या होता है, फैटिक, वीक हो जाता है, डॉल, डीजी, ड्राउजी, ये सारे सिम्टम उसमें सेट हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे हम इसको कैसे प्रिवेंशन करेंगे, जब हम कोई चीज जानते हैं उसी के बाद अगर उसका हम प्रिवेंशन देखते हैं, प्रिवेंटिव मेजर, तो हमको जानना, समझना, याद रखना इजी हो जाता है। जब हम कोई चीज प्रॉब्लम किया है अगर हम जानेंगे तभी उसकी जो प्रिवेंटिव मेजर हमको आसानी से याद रहेगा। तो हम ये सब चीज में क्या होता है, ये सारे जो बच्चे के प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स रहते हैं उसमें हमको कार्बन रिच, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हमको खाना चाहिए, हम कैल्शियम लेंगे, एक्सरसाइज डेफिनेटली करेंगे। जैसे हर जगह में आपको अभी मैं स्टार्टिंग में बोली, हर फेज में वो चीज आएगा, एटलीस्ट 30 मिनट पर डे एक्सरसाइज करना चाहिए, वीकली 5 डेज करो तो भी सफिशियंट है, मतलब 150 मिनट्स पर वीक, नथिंग इज, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर डेली करते हैं तो सो फार सो गुड, लेकिन बच्चे या बड़े कोई भी इतना नहीं चाहता, हमको सबका एक रहता संडे मंडे, सैटरडे संडे छुट्टी है, हमको सोना है, ओके फाइन 2 दिन सो जा, लेकिन 5 दिन कर, 30 मिनट्स एवरी इंडिविजुअल को एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन उसके भी रेंज है, किसको 45 मिनट करना चाहिए, किसको 60 मिनट करना चाहिए, वो डिपेंड अपन द डिजीज कंडीशन, पर एरे हेल्दी इंडिविजुअल यू हैव टू डू एटलीस्ट 30 मिनट पर डे, 150 मिनट पर वीक। उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, विटामिन्स और मिनरल फूड्स उस समय हमको खाना चाहिए, जैसे हमको हर चीज में विटामिन हम नहीं खा के, अगर हम कोई भी कोई विटामिन वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं, जैसे हमको विटामिन सी खाना पड़ रहा है, अगर विटामिन सी खाते हैं सही है, लेकिन हम अगर लेमन खाते हैं, हम अगर टोमेटो खाते हैं, उसमें भी हम द नेचुरल विटामिन सी हमको मिल सकता है, इसी चीज को हम डेफिनेटली ध्यान देंगे कि हमको क्या खाना चाहिए। पहले मैं जैसे बताई, हमारा डाइट, हमारा वाटर एंड हमारी एक्सरसाइज, ये बहुत असर करता है एक इंडिविजुअल को हेल्दी रहने के लिए। हेल्दी मैं नहीं बोल रही हूँ कि डिजीज फ्री, हेल्दी, व्हाट इज हेल्दी, देन आई वांट टू से दैट व्हाट इज हेल्थ, व्हेन एन इंडिविजुअल इज, व्हेन एन इंडिविजुअल इज वेलबींग सोशियली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशियली, जैसे मुझे बुखार नहीं हुआ है, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम स्नीजिंग, कोल्ड, करेजा, कॉफिंग, फीवर, एनीथिंग एल्स, दैट डजंट मीन दैट आई एम हेल्दी, मुझे वो सब चीज नहीं है, लेकिन मैं टेंशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, तो वो भी जो बहुत चीज है, वही चीज भी हम उसको बोलेंगे कि मैं हेल्दी नहीं हूँ। पहला हमारा यही कॉन्सेप्ट था, अगर कोई फिजिकली बीमार है दैट इज इक्वल टू डिजीज वो, और सबसे बड़ी बात है हमारा हेल्थ की डेफिनेशन पहले ऐसे था कि जैसे कोई इंसान आते हैं हम कैसे बोलते हैं मैडम, और मोर झियर बाहागर अच्छी सी टी हेल्दी अच्छी, तो दैट हेल्दी मीन्स ओबेसिटी,
लेकिन आजकल सब बहुत एवर हो गए, सब समझ चुके हैं हेल्दी इज अ डिफरेंट थिंग एंड ओबेसिटी इज अ डिफरेंट थिंग। और एक बात है, आप हेल्दी हो, आप मेंटली भी हेल्दी हो, आप फिजिकली भी हेल्दी हो, लेकिन आपका जो पड़ोसी है, नेबर है, शी इज नॉट हेल्दी, तो भी आप हेल्दी डेफिनेशन के अंडर में नहीं है। अगर आपके घर के साइट में किसी को टीबी है, देन यू आर सस्पेक्टेड। अगर वो है तो आप भी होने का 99% चांस है, अगर आपकी इम्यूनिटी लो है। तो जैसे आप जानते हैं सब, या हमको इम्यूनिटी कोविड हमको बता दिया, व्हाट इज इम्यूनिटी, हर बच्चा जानता है कि इम्यूनिटी क्या होता है। जैसे हम विटामिन सी खाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं, जिंक खाते हैं, फिर तुलसी के पत्ते खाते हैं, यानी हर्बल प्रोडक्ट्स भी हम लेते हैं, टू इंक्रीज, टू एक्टिवेट आवर इम्यूनिटी। जिसकी इम्यूनिटी सही है, वो जितने भी बीमार इंसान के पास रहने से भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद हमारा आता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपका जैसे शुरू होता है 15 ईयर टू 49 ईयर्स, दैट इज आवर रिप्रोडक्टिव एज। एक इंसान जैसे 14, 15, 16, 17, 18 को लगभग हमारा एन ओवुलेटरी स्टेज चलता है, पीरियड्स होती है लेकिन ओवुलेशन नहीं होता है, तो उसी समय चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन कम रहता है। दैट डजंट मीन दैट कि नहीं होता, कॉन्सेप्शन नहीं होगा, कॉन्सीव नहीं करेगा, ऐसे माने नहीं है, लेकिन चांसेस कम है, 15, 16 में नहीं होता। इसीलिए रिप्रोडक्टिव एज में आपका 15 to 19 को भी, 15 to 49 है रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज में आपका ये पीएमएस भी आ जाएगा, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स भी आ जाएंगे, फिर आपकी एंडोमेट्राइटिस आएंगे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीजेस आएंगे, फाइब्रॉइड आएंगे, एनी सॉर्ट्स ऑफ डिजीज दैट रिलेट द पीआईडी, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीजेस आएंगे, वेजिनाइटिस आएंगे, सर्विसाइटिस आएंगे। तो इसमें से दो तो जो कॉमन चीज है जो हम अपने हाथ में हम ठीक कर सकते हैं, दैट इज वेजिनाइटिस एंड सर्विसाइटिस। तो वेजिनाइटिस एंड सर्विसाइटिस आल्सो एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। कुछ डिजीज ऐसे होता है कि दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मेल, बट उसमें मेल पार्ट में वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाता, जबकि वो लेडीज में वो ऑर्गेनिजम्स डिजीज क्रिएट करते हैं या डिजीज इंड्यूस करते हैं। देन व्हाट इज वेजिनाइटिस एंड व्हाट इज सर्विसाइटिस? आप देखे होंगे सब बहुत कंप्लेन लेके आते हैं, इसिंग ऑफ वेजाइना, वेजाइनल इचिंग हो रहा है एंड व्हाई डिस्चार्ज हो रहा है। तो हम वो चीज को देखते हैं, कौन सा फंगल इन्फेक्शन है और कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आप देखे होंगे बचपन से हमको ऐसे संस्कार दिया गया है, हम अपने हर क्लॉथेस कड़ी धूप में सुखाते हैं, लेकिन अंडर गार्मेंट लाके हम अपने घर के अंदर सुखाते हैं, जिसके ऊपर आपको ड्राई हीट, सन एक्सपोजर होना चाहिए, उसको लाके हम घर में सुखाते हैं, क्योंकि बाहर में नहीं सुखाना चाहिए, ये एक मीथ है। जैसे लेडीज की ऑर्गन्स जो है आपकी क्लॉथेस, वो बाहर में नहीं सुखाते। पहले जैसे था कि यूज करते थे, कपड़ा यूज करते थे, सैनिटरी पैड यूज नहीं करते थे, तो उसमें हमको इचिंग होता, क्योंकि वो जो कपड़ा वो कहाँ सुखाते थे, उसको डेफिनेटली कोई डार्क प्लेस में सुखाते, कोई नहीं देखे उसी जगह में सुखाते हैं, फिर उसको लाके वो यूज करते हैं। उसमें आपका फंगल इन्फेक्शन होता था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता था, वेजिनाइटिस होगा, इचिंग ऑफ द वेजाइना रहेगा, वाइट डिस्चार्ज आएगी, लेकिन अगर वो वेजिनाइटिस इस एक्सटेंड वो ट्रांसमिट कर जाएगा, तो उसका नेक्स्ट पार्ट आता है सर्विस, तो फिर वो सर्विस में इरोजन कर देगा। आपके सर्विस का जो पार्ट है, यूट्रस का एक लास्ट पार्ट जो है सर्विस है, वो सर्विस में इरोजन करेगा। अगर सर्विस में इरोजन होगा, सर्विसाइटिस होगा, एनी इन्फेक्शन और एनी इंफ्लामेशन ऑफ दैट ऑर्गन इज कॉल्ड आइटिस। जैसे अपेंडिसाइटिस हुआ, कोलिसिस्टाइटिस हुआ, सर्विसाइटिस हुआ, वेजिनाइटिस हुआ, इसका मतलब ये होता है हर ऑर्गन में आपका
इन्फ्लामेशन होगा, जैसे सर्विस में इन्फ्लामेशन होगा तो फिर उसमें से आपका और ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज होगा। व्हाइट डिस्चार्ज की टाइप्स भी रहते हैं, किसी में आपका थिन वाटरी रहता है, किसी में अल्बुमिनस रहता है, किसी में कॉड टाइप का रहता है, किसी में दही दही टाइप का आता है, किसी में एकदम पतला पानी टाइप का आता है, किसी में वो अंडा में जो रहता है अल्बुमिन उसी टाइप का आता है, किसी में इचिंग रहता है, किसी में स्मेल होता है, किसी में स्मेल नहीं होता है। उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट इज दैट इज ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये सारी जो चीज आती है उसमें आपके रिप्रोडक्टिव एज में आता है, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी भी जो आती है उसमें आप वो रिप्रोडक्टिव एज में वो आती है। अगर वो रिप्रोडक्टिव एज में, और सबसे बड़ी एक बात आती है जो है आपकी एंजाइटी एंड डिप्रेशन। हम जैसे सुने कोई चीज रहता है, जब एक लड़की अपनी ग्रीफ अपनी सोरो सबके सामने नहीं बता पाती है, वो भी मैनिफेस्टेड होता है एक डिजीज के हिसाब से। उस डिजीज में वो अपने अपने मन की बात बोल पाती है, दैट इज ड्यू टू ओनली ड्यू टू डिप्रेशन। और पहले आप जैसे जानते हैं हमको कोई बीमारी होती है, जैसे मुझे बुखार हुआ मैं आराम से बोल, मैं बोली मुझे मलेरिया हुआ है मैं आराम से बोलती हूँ, किसी का हार्ट की प्रॉब्लम है तब भी लोग बोलते हैं मुझे हार्ट अटैक हुआ था मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर किसी को थोड़ी सी मेंटल प्रॉब्लम है वो कभी भी नहीं बोलता कि मुझे मेंटल डिजीजेस है, क्योंकि हमारे इंडिया में उस चीज को पता नहीं एज इफ क्राइम, मैंने कोई क्राइम कर दी, मुझे ब्रेन सिजोफेनिक हूं मैं, मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, तो हम किसी को बोलना नहीं चाहते। अभी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है दो टू डिजीज के ऊपर, दैट इज एनसीडी एंड मेंटल डिजीजेस है, कि हर कोई अपना अगर कोई जैसे मेरा हार्ट है, मेरे लॉन्ग्स है, मेरे लीवर है, मेरे स्टोमक है, मेरे ओवरी है, मेरी एनी ऑर्गन्स इनसाइड योर बॉडी, अगर उसमें हम कोई चीज बोल सकते हैं, वो भी तो ब्रेन भी तो एक ऑर्गन भी है ना, अगर उस ऑर्गन में हमको कोई प्रॉब्लम होता है तो हम क्यों नहीं बोलेंगे। इसीलिए प्रोग्राम्स भी चल रहा है, गेम्स भी हो रहा है, और उसके साथ साथ सबको अवेयरनेस जनरेट कर रहा है। जैसे हमारे एक प्रोग्राम हुआ था उसमें हम एक फ्लिप चार्ट बनाए थे, उस फ्लिप चार्ट में हम दिखाए थे द 12 कंडीशन, किस किस कंडीशन में हम जान पाएंगे कि वो डिप्रेशन में। अगर आप देखे होंगे बहुत सारे इंसान ऐसे रहते हैं वो बहुत साफ सुथरा है, मतलब उसके घर वाले ऐसे बोलते हैं मेरी बेटी वो बहुत साफ सुथरा रहती है, हम उसको बोलते जरूरत से कोई भी चीज ज्यादा अच्छा नहीं होता। अगर आप देखे होंगे एक एक इंसान रहते हैं बार बार हाथ पैर धो रहे हैं, बार बार हर छोटे छोटे काम करते हैं, से नहीं कि कोविड में हमको धोने के लिए बोले थे, दैट इज डिफरेंट थी, हर चीज के लिए वो हाथ धोते रहते हैं, पैर धोते रहते हैं, हर चीज को, कहीं कोई बाहर से आया उसको धो देंगे, फ्लोर को बार बार साफ करेंगे, ये सब प्री मेंटल सिंड्रोम है। बार बार ज्यादा हाथ धोना, ज्यादा हाइजीन मेंटेन, मोर देन दैट क्लीनिनेस, मतलब अगर बहुत ज्यादा कोई क्लीनिनेस मेंटेन कर रहा है वो प्री मेंटल सिंड्रोम, आप उसका हाइजीन नहीं बोल सकते, तो उस चीज को भी हमको देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं जैसे बताई थी कि बच्चे स्कूल से आ रहे हैं उनके कोई चीज की डिप्रेशन रह रहा है, हम कैसे देखेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ हर किसी की, बच्चे जब घर आते हैं उनके रफ कॉपी के पीछे वाले पेपर जरूर देखिएगा, हर माँ को मेरी यही सलाह है, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है, मैं उसका हर दिन जब वो स्कूल से आती थी मैं उसका हर दिन पीछे वाले रफ कॉपी में देखती थी वो क्या लिखते, क्योंकि बच्चे अपने थॉट रफ कॉपी के पीछे लिखते हैं, अगर उसको आप जान पाएंगे तो अभी आप उनके उसी हिसाब से उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। वो एक बार में आज स्कूल में कौन कौन क्या क्या बोला तो बैठ के तुरंत आपको लिस्ट नहीं गिनाएंगे ना, तो कैसे करके हम इंसान के अंदर से चीज निकल के ला पाएंगे, वो भी एक स्किल है। तो मेरे हिसाब से हर माँ स्किल्ड होना जरूरी है, क्योंकि यही चीज है, यही जो आपकी रिप्रोडक्टिव स्टाइल और प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम द एडोलसेंट एज में, बच्चे स्कूल में रहते हैं तो ये जो भी सर्विसाइटिस, बच्चे स्कूल में जाते हैं बाहर में टॉयलेट करके आते हैं, वॉशरूम तो इतना क्लीन नहीं रहता है ना स्कूल में, तो उसमें से उनको सर्विसाइटिस हो जाता है, वो छुपाते हैं,
वो बोलते नहीं है, उनको इचिंग होता रहता है, वो बोलते नहीं है। हम जब कोई चीज शुरू से अगर हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे तो आगे जाके मैं बताऊंगी, जैसे हमको एवरी ईयर हेल्थ चेकअप करना जरूरी है। मैं अभी पहले बता देती तो आपको लगेगा क्यों करेंगे, लेकिन मैं अगर सारे चीज बता के उसके बाद बोलूंगी कि हमको एवरी ईयर हेल्थ चेकअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं अभी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम आप ऐसे भी कॉन्विंस हो गए होंगे कि क्यों हेल्थ चेकअप करना जरूरी है। फिर उसके बाद जैसे हम दो चीज देखें, एक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स है और उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज, सर्विसाइटिस, वेजिनाइटिस, एंडोमेट्राइटिस, पीसीओएस, ये सारे आपकी इनफर्टिलिटी, सारे रिप्रोडक्टिव एज में की प्रॉब्लम है। उसके बाद आपका आया हार्ट का हेल्थ और हार्ट डिजीज, इट इज कॉल्ड साइलेंट किलर। हार्ट अटैक होता है, कभी किसी को बोल के नहीं आता है, हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। इसीलिए बोला जाता है कि आपको बीच मतलब आफ्टर एज ऑफ 30, जैसे एनसीडी एज इज 35 to 65 और 30 to 60, इसमें आपको डेफिनेटली आपका डायबिटीज, ब्लड शुगर जैसे बोलते हैं हम, ब्लड शुगर और बीपी मेजरमेंट जरूर करना चाहिए टू द नियरेस्ट बीएससी, नियरेस्ट हेल्थ सेंटर। इसीलिए गवर्नमेंट पीएससी से भी लेके नियरेस्ट सीएचओ को अपॉइंटमेंट कर दिया है कि एवरी 3 किलोमीटर रेडियस में एक हेल्थ फैसिलिटेटर रहेगा जो आपका हाइपरटेंशन जैसे बीपी मेजरमेंट कर देगा और डायबिटीज के लिए ब्लड शुगर जरूर वो मेजरमेंट आपका कर देगा। तो उसमें क्या होता है, हमारे जो साइलेंट किलर है हमको 3 आवर की गोल्डन पीरियड देता है एनी टाइप ऑफ हार्ट डिजीज। अभी हमारे पास में एक मेडिकल रिलेटेड फैमिली में एक जन की डेथ हो गया, सिस एब्सोल्युटली ऑल राइट। वो एक घर गई थी किसी की शादी के घर, शाम को रिटर्न आई और शाम को रिटर्न आने के बाद उसको 3 तारीख, उसको 5 तारीख को जाना था वृंदावन। उसके लिए वो पैकिंग वे की अनपैक करके अगेन रिपैक करने के लिए सब चीज तैयार करी और रात को सो गई। 1 बजे उसको प्रॉब्लम आया, 4 बजे वो एक्सपायर कर गई। वो तो बता ही नहीं किसी को, जो जाके शादी के अटेंड करके आए और 2 दिन के बाद अपना नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं कि उनको जाना है वृंदावन, तो क्यों नहीं बताया हार्ट अटैक कि तू मरने वाली है। कुछ सिम्टम भी नहीं बताया, जस्ट रात को 1 बजे 1 AM उसको ये प्रॉब्लम हुआ, ब्रीथलेसनेस हुआ। आपको इतना थोड़ा सा सिम्टम्स याद रखिए, सबको जानना जरूरी है। ब्रीथलेसनेस, चेस्ट पेन, चेस्ट पेन रेडिएट टू योर लेफ्ट आर्म इंक्लूडिंग कोल्ड स्वेटिंग। चेस्ट पेन हो रहा है, हैंड में भी पेन हो रहा है, हॉट स्वेटिंग अगर हो रहा है दैट इज ड्यू टू एसिडिटी प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोल्ड स्वेटिंग हो रहा है इट इज द डेडलाइन सिम्टम्स ऑफ योर हार्ट अटैक। तो इसीलिए आजकल सबको बोला भी गया है अगर घर में बड़े इंसान हैं तो उसके साथ साथ आपको एस्प्रिन का एक टैबलेट रखना जरूरी है। लेकिन हम बोलेंगे क्यों, वही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम क्यों ऐसे करेंगे कि हमको कल जाके हार्ट अटैक हुआ, उसको हम तो प्रिवेंट कर सकते हैं ना। तो जैसे आप लोगों में तो बहुत सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स आते हैं, मल्टी विटामिन आती है, उसके साथ ओमेगा भी आती है, और सबसे ज्यादा एक्सरसाइज, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी 30 मिनट की एक्सरसाइज पर डे और 150 मिनट एक्सरसाइज पर वीक। लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको 45 मिनट करना चाहिए मिनिमम एवरी डे ना, या फिर 1 आवर 60 मिनट एवरी डे। उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं, ये जो है WHO की गाइडलाइन, उससे थोड़ी बहुत वेरिएशन होता है, कोई कुछ बोलते हैं, लेकिन जो मेन है आपकी WHO की गाइडलाइन, वो गाइडलाइन बताता है कि आपको जिसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट रिलेटेड एनी इश्यू, आप अगर देखेंगे डायबिटीज, हम बोलेंगे अरे डायबिटीज तो अलग चीज है, नहीं वो भी रिलेटेड टू योर हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड चीज, वो हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं, वो इंसुलिन रेगुलेटर, और अगर हार्ट अटैक हार्ट से प्रॉब्लम रहती है तो किडनी में भी प्रॉब्लम होती है, अगर किडनी में प्रॉब्लम है अगर आप उसके लिए मेडिसिन खा रहे हो वो अल्टीमेटली इफेक्ट टू योर हार्ट,
क्योंकि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में तो सब जगह में जा रहा है ना। हम जो मेडिसिन खा रहे हैं क्या वो ब्लड सिर्फ हम कोई अगर मेडिसिन खा रहे हैं, हाँ वी आर टेकिंग एटेलमिसेटन खा रहे हैं, एम्लोडिपिन खा रहे हैं, कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं, उस ब्लड को क्या पता है कि मैं वो चीज लेके सिर्फ हार्ट तक पहुंचा दूंगा, दूसरे ऑर्गन को नहीं दूंगा, मेरी ग्रामर ठीक नहीं, नहीं दूंगा नहीं दूंगी, समझ जाइएगा, क्योंकि वो ब्लड तो सब जगह में सर्कुलेट करेगा ना। अगर हम कोई मेडिसिन खाते हैं वो मेडिसिन ब्लड में इमल्सिफाई होता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो फिर उसके बाद वो हर ऑर्गन में जाता है, जिसमें जरूरी है उसमें भी जाएगा, जिसमें जरूरी नहीं है उसमें भी जाएगा। तो जिसमें जरूरी नहीं है अगर उसी ऑर्गन में वो जाके पहुंचेगा तो डेफिनेटली उसमें तो खराब ही करेगा ना। तो जैसे हमको ये सब चीज को देखना बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी बात है हमारे लाइफस्टाइल। आज की दुनिया में सबसे बड़ी स्लोगन जो है, नारा है, दैट इज चेंज योर लाइफस्टाइल, चेंज योर लाइफस्टाइल, चेंज योर हेल्थ। लाइफस्टाइल क्या है? अगर जैसे हम पहले लाइफस्टाइल बोलने से यही सोचते थे, आदमी कौन सा बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, मर्सिडीज में घूम रहा है, ऑडी में घूम रहा है, कि छोटा सा गाड़ी में घूम रहा है, तो हमें उससे सोच के सोचते थे उसका लाइफस्टाइल बहुत आसान, वो कितनी रईस है, रईस होना रिच होना, अंबानी हो जाना इसका मतलब यही नहीं हुआ कि वो हेल्दी है। हेल्दी और लाइफस्टाइल एक अलग चीज है, जो इसकी लाइफस्टाइल जितना बढ़िया उसकी लाइफस्टाइल उसकी हेल्थ उतनी अच्छी होती है। लाइफस्टाइल मतलब आप क्या खा रहे हैं, व्हाट इज योर फूड हैबिट, व्हाट इज योर एक्सरसाइज हैबिट, व्हाट इज योर ड्रिंकिंग वाटर हैबिट। हम अगर अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा सप्लीमेंट ले रहे हैं, हम पानी बहुत गंदा पी रहे हैं, तभी वो कोई चीज नहीं होगा। हम अच्छा खाना खा रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे, तो जैसे हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी जो एनर्जी वो कैसे यूज होगा, वो तो स्टोर होता हुआ जाएगा ना। तो जो एनी ओवर थिंग, एनी बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हुआ वो कन्वर्ट इनटू फैट, वो फैट होके जाके जमा हो जाता है। तो इसीलिए हार्ट अटैक जो रहता है, उनका गोल्डन पीरियड विद इन 3 आवर ऑफ गोल्डन पीरियड हम कहीं पहुंच नहीं पाते। हो सकता है आप में से बहुत इंसान बड़े बड़े सिटी में रहते हैं वो पहुंच जाएंगे, लेकिन हम जैसे वो रहते सिटी में, हम इतने जल्दी कोई भी एफआरयू सेंटर में पहुंच नहीं पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वो पीएससी सीएससी में दिखाएंगे और 3 आवर के बाद, 3 आवर के बाद गेम इज ओवर। तो इसीलिए टू प्रिवेंट द हार्ट डिजीजेस हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है एवरी ईयर हमको स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है। हम जितने जल्दी अपने बीमारी को पहचान पाएंगे, डायग्नोस कर पाएंगे, हम ट्रीटमेंट उतने जल्दी कर पाएंगे। अगर मुझे पता है मुझे हाइपरटेंशन है तो उसी हिसाब से प्रिकॉशन तो मैं लूंगी ना, मुझे क्या मेडिसिन खाना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। जब मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या डिजीज है, आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, आई एम सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक, आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर, व्हाट एवर इट मे बी, मुझे जितने अर्ली अर्ली डायग्नोसिस हमको ये परमानेंट क्योर भी दे सकता है। जब एक इंसान को कैंसर भी होता है, अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा तो बचने की उम्मीद बहुत कम हो जाता है। वैसे आपके जैसे अर्ली डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है, अगर हम अर्ली डायग्नोसिस करेंगे तब हम उसके हिसाब से प्रिकॉशन ले पाएंगे कि हमको क्या करना है, और हमको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, और लाइफस्टाइल के अंदर हमको डेली, मैं वो बोल रही हूँ ये सब प्रिवेंटिव मेजर, हाउ टू प्रिवेंट द हार्ट डिजीजेस। तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, सेफ वाटर पीना पड़ेगा, हैंड हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। हम सब चीज कर रहे हैं और अपना हाथ ही गंदा है, हम एकदम से हाइजीनिक फूड खा रहे हैं, एकदम से हेल्दी फूड खा रहे हैं, लेकिन हमारा हैंड जो है अनहाइजीनिक है। जैसे सब जानते हैं देयर आर 7 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग, तो वो हैंड वॉशिंग को सबको डेफिनेटली यूज करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है हमको क्या करना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। उससे पहले और एक चीज है, एब्स्टिनेंस स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग,
लोग बोलते हैं ना, अल्कोहल ड्रिंकिंग की बात कर रही हूं मैं, जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं धीरे धीरे छोड़ दूंगी और छोड़ दूंगा। आजकल की जो हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल जो बना है, जैसे मैं बोलते द मिस यूज ऑफ लाइफ स्टाइल, दैट इज हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल, आज के डेट में लेडीज भी बहुत ज्यादा, पहले से था जो लेडीज नहीं पीते थे, बोला जाता था पीते थे नहीं पीते थे हमने, जैसे रूरल बेल्ट में द और जो जंगल में रहते हैं शेड्यूल ट्राइब्स पीपल, दे आर यूजिंग द अल्कोहल, जैसे पानी पीते वैसे पीते, लेकिन वही था मिडिल क्लास पीपल, हमारे लिए एक था कि लेडीज नहीं पीते, लेकिन अभी वो कॉन्सेप्ट शायद अपने आप चेंज कर दिया गया है। अभी वो जो टीन एजर है और द एडोलसेंट एज है, द जो मैं बताई कि 19 to 39, उसमें उनका एक ट्रेंड चला है भुवनेश्वर में, छोटा सा दूर तक मैं नहीं जाऊंगी, भुवनेश्वर में भी आपकी बियर बार में लड़कियां जाके लेके आ रहे, वो सोचते हैं ये हमारे लाइफस्टाइल है, हम इतना लाइफस्टाइल कर रहे, यहाँ सिगरेट पी रहे हैं और यहाँ पे ड्रिंक कर रहे हैं। तो ये सब चीज को हमको अब्स्टिनेंस मतलब पूरा छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे कुछ नहीं होता, छोड़ेंगे। जैसे हमारे एक एग्जाम्पल एक साथ दिए थे, बहुत दिन पहले मैं बहुत ज्यादा पुड़िया खाता था मैडम, और पुड़िया खाने के बाद मैं पुड़िया खाना छोड़ दिया, पूरा छोड़ दिया। एक दिन एक फ्रेंड ने पुड़िया खा रहा था, वो अपना वो रैपर खोल नहीं पा रहा था, तो ये तो बड़ा स्किल्ड है, तो बोले कि मुझे दो, वो खोल दिए उसका, तोड़ के कैसे करते खोल दिए, जो वो स्मेल जो उनके नाक में आया, जो माउथ में थोड़ी बहुत टेस्ट गया, उसके बाद से वो अगेन एडिक्टेड हो गए। तो दैट इज कॉल्ड एब्स्टिनेंस एवर्ड, जो हम पूरा छोड़ देंगे। उसके बाद सबसे पहले जो चीज है और सबसे आखिरी चीज है, दैट इज स्ट्रेस। अभी आप देखे होंगे, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कोई डॉक्टर बोलता है कि आपको एसिडिटी हुआ है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ है, ऐसे बोलते हैं? नो, सब बोल देते हैं एक तो आईबीएस, व्हाट इज दैट आईबीएस, व्हाट इज यस अगेन दैट सिंड्रोम, क्योंकि एसिडिटी प्रॉब्लम होने से भी एसिडिटी के कोई सिम्टम्स दिखाएंगे ऐसे कोई जरूरी नहीं, ना सावर इरेक्टेशन आएगा, नहीं तो ब्लोटिंग अब एब्डोम आएगा, नहीं तो हार्ट बन आएगा, ऐसे कुछ नहीं आएगा, लेकिन कैसा आएगा, पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, स्लीप प्रॉब्लम रहेगा, कभी यहाँ पेन होगा, कभी रेडिएटिंग पेन रहेगा, कभी वार्निंग ऑफ हैंड एंड फीट रहेगा, तो पेशेंट समझ में नहीं आता, उसको डिप्रेशन में चला जाता है आईबीएस में, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, अगर डिप्रेशन होता है तो आईबीएस होता है, अगर आईबीएस होता है तो डिप्रेशन होता है। वैसे ही आपकी हार्ट प्रॉब्लम के लिए हमको सबसे पहले स्ट्रेस, भले आप जितना अच्छा मेडिसिन खा रहे हो, आप जितना ज्यादा फूड सप्लीमेंट ले रहे हो, जितना अच्छा पानी पी रहे हो, लेकिन होता वही है, कुछ चीज काम नहीं करता अगर आप अपना वो स्ट्रेस फैक्टर को नहीं छोड़ेंगे। हम एक बार एक ट्रेनिंग में गए थे, जो मास्टर ट्रेनर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, उसमें लिखा गया था क्लियर कट, आप उसी इंसान से बात करिए जिससे बात करने से आपके मन को शांति होता है, अब उसी उन इंसान के साथ कांटेक्ट रखिए जिस इंसान के साथ आपको बात करने में कंफर्ट फील होता है, जिसमें आपको स्ट्रेस भी रहते हैं, जिसमें आप हैप्पी रहते हैं, दैट इज कॉल्ड लाफिंग थेरापी। एक पिक्चर दिखे थे ना हम लोग, थ्री इडियट्स, वो अपने स्ट्रेस रिमूव करने के लिए हंसते थे, तो हमको स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर हार्ट डिजीज उसके साथ साथ, जैसे मैं बताई द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, व्हाट इज दैट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है, जो डिजीजेस है एक से दूसरे को कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, मुझे कोविड हुआ, आप मेरे पास हो गए, आपको जरूर कोविड होगा, मुझे टीबी हुआ है, आपको भी टीबी होने का चांसेस है, ज्यादा इफेक्टेड है, मुझे लेप्रोसी हुआ है, अगर आप 24/7 into 7 अब एक वीक में 24 घंटा मेरे साथ रह रहे, 24 दैट डजंट मीन कि पूरा दिन 24 घंटा, आज 2 घंटा कल 2 घंटा चार ऐसे करके अगर रहते हैं तो आपको लेप्रोसी होने की भी चांसेस है, लेकिन ऐसे कोई डिजीजेस जैसे आपकी डायरी हुआ, डिसेंट्री हुआ, एपिडेमिक डिजीजेस जो छोटे छोटे एरिया में होता है एक साथ सबको हो जाता है, लेकिन ऐसे कोई डिजीज है जो मुझे होगा, इसका मतलब नहीं कि मेरे आप मेरे साथ हो तो आपको होगा, या मेरे घर में मेरी बेटी है तो मेरे बेटी को होगा,
और जो भी है फैमिली मेंबर्स तो उनको ऐसे नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेस है उसका पहले जो आता है दैट इज हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड द थ्री कैंसर। बाकी गवर्नमेंट बाद में बहुत सारी चीज को ऐड करेगा, उसमें जो थ्री हार्ट अटैक में आपका हार्ट स्ट्रोक भी आ गया, ब्रेन स्ट्रोक भी आ गया, डायबिटीज हुआ और तीन ठो कैंसर। अनफॉर्चुनेटली जो तीन कैंसर होता है, तीन के तीन कैंसर लेडीज को होता है, महिला को तीन से तीन कैंसर होता है, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। मेल को सिर्फ एक कैंसर होता है दैट इज ओरल कैंसर। लेकिन वही चीज बोले, जब भगवान हमको बहुत सारे अच्छे गुणों में ब्लेस्ड किया है, उसके साथ कुछ डिजीज भी हमको उनसे ज्यादा ही दिया है। लेकिन अगर डिजीज दिया है तो उससे बचने के लिए उपाय भी दिया है, वो हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, दैट डिपेंड अपॉन अस। जैसे हमको ब्रेस्ट कैंसर के लिए जैसे बोला जाता है, तो उसमें एक चीज है वो लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप सोचेंगे एक्सरसाइज करने से कैसे करके ब्रेस्ट कैंसर कम होगा, ओरल कैंसर कम होगा, होगा क्योंकि हम एक्सरसाइज जब करते हैं हमारे जो हार्मोन वो बैलेंस रहता है। ब्रेस्ट कैंसर तो हार्मोन से ही होता है, सर्वाइकल कैंसर से डिफरेंट इश्यू, उसको मैं बाद में बताऊंगी। और जो ओरल कैंसर है वो हमारे लाइफस्टाइल है, अगर हम पुड़िया खा रहे हैं, हम अल्कोहल ले रहे हैं तो हमको उसमें ओरल कैंसर होने के बहुत, हमें एसिडिक फूड ले रहे हैं, हमें एसिडिक पानी पी रहे हैं, एसिडिक कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो उसमें हमको ओरल कैंसर होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो हार्मोनल होता है। जैसे मैं बोली जो छोटे से बच्चे आते हैं 15, 16, 17, 18 साल के, उनमें लम्स है, लेकिन वो लम्स जरूरी नहीं है कि वो लम्स ब्रेस्ट कैंसर की लम्स है, वो लम्स मूवेबल लम्स रहता है। आप देखे होंगे उसको हाथ मारने से इधर उधर वो मूव करता है। तो हमको जैसे करना पड़ेगा क्या, पहले बात है हमको एक होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। उसमें क्या करा जाता है, एवरी मंथ ए फिक्स डे, इट मे बी योर बर्थडे और इट मे बी द 10th डे ऑफ योर मेंस, आपको हर महीना उसमें कुछ यूट्यूब में देखने से आप जान पाएंगे जे क्लॉकवाइज 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock ऐसा करके आपको ब्रेस्ट को लंप को ऐसे ऐसे पालपेट करके देखना पड़ेगा एवरी मंथ। तो अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ लंप है तो आप अर्ली डायग्नोसिस कर पाएंगे ना, मैसेक्टोमी करना नहीं पड़ेगा ना, ब्रेस्ट को रिमूव करना नहीं पड़ेगा ना। अगर एक बार ब्रेस्ट रिमूव हो जाता है, साइकोलॉजिकली कितना डिप्रेशन में वो लेडीज चली जाती है, उसका एग्जाम्पल हमारे पास भरे पड़े हैं। जिंदगी उनका ऐसे जो सोचो, जैसे वो सोचते कि जैसे नर्क बन गया, उनको इंफीरियोरिटी फील हो जाती है, वो बाहर जाना भी वो नहीं चाहते। तो वो लम्स को हम कैसे करके ठीक कर पाएंगे, अगर हम अर्ली डायग्नोसिस करें, हम ब्रेस्ट को अगर पालपेट करेंगे, इनड्रॉइंग ऑफ निप्पल्स देखेंगे, निप्पल्स इनड्रॉ हो गया है क्या, उसमें कोई डिस्चार्ज आ रही क्या, वो सब चीज अगर हम अर्ली डायग्नोसिस कर पाएंगे तो हम उसी हिसाब से उसकी प्रिकॉशन डेफिनेटली, वो हमारे हाथ में है, वो चीज हमारे हाथ में, कोई चीज है जो हम अब चाहे तो उसको ठीक कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। कैंसर की कोई कॉज नहीं है, बहुत ऐसे इंसान है जो पुड़िया खा खा के मर भी जाते हैं, उनको ओरल कैंसर नहीं होता है और कोई कोई 2 महीना नहीं खाए उनको हो जाता है। दैट डिपेंड अपॉन दैट इम्यून, दैट डजंट मीन कि हम वो तो खा खा के मर गया तो उसको तो कभी हुआ नहीं तो हम भी खाएंगे, नहीं, उसका इम्यूनिटी बॉडी पावर इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग था वो नहीं हो पाया, कोई जरूरी नहीं कि मेरा इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। तो इसीलिए हमको ब्रेस्ट कैंसर को देखने के लिए एवरी मंथ सबको करना चाहिए। वो सब क्या कब करेंगे तो बेस्ट रहेगा, अगर बाथरूम में करते हैं, क्योंकि बाथरूम में जब हम सोप लगाते हैं हमारे बॉडी गीला रहता है, तो उस समय हैंड की मूवमेंट सही होती है। अगर हम सूखे
बॉडी में, ड्राई बॉडी में अगर हम मूवमेंट करेंगे अपने टिप ऑफ द फिंगर में होता है, टिप नहीं, पॉप ऑफ द फिंगर इसमें होता है, तो वो पता नहीं चल पाएगा, हाथ हिंड फिंगर्स मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हमको लम्स क्या है पता नहीं चल पाएगा। सबसे बड़ी बात है, जो दिस इज माई एक्सपीरियंस, लम्स है अगर दबाने से करने से थोड़ा सा भी पेन हो रहा है, ओबीटी नजर को है, तो वो बिनाइन ट्यूमर है, दैट इज नॉट मैलिग्नेंट, दैट इज नॉट कैंसरस। अगर कोई चीज है और पेन नहीं हो रहा है, क्योंकि कैंसर पेन दे के आता नहीं है, अगर हर कैंसर में पेन होता तो कोई भी इंसान कैंसर में नहीं मरता, कि वो अर्ली डायग्नोसिस हो जाता, क्योंकि कैंसर में अर्ली पेन नहीं होता है, तो इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता है, इसीलिए हमको कॉशस होना पड़ेगा। जैसे सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने, जैसे मैं आज करी और मुझे अगले महीने में कुछ चेंजेस पता चला, तो डेफिनेटली मैं तुरंत जाके अपने गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकती हूँ ना, तो वो ऐसा कुछ मेडिसिन है जो दे देंगे कि जल्दी करने से जल्दी से ठीक हो जाएगा। जब लॉम्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, निप्पल सिंड्रोम हो जाएगा, उसमें से डिस्चार्ज होने लगेगा, उसके बाद जाएंगे हम डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, वो रेडिएशन देंगे, केमोथेरेपी देंगे, ये देंगे वो देंगे, आखिर में मैसेक्टोमी करके काट देंगे। उसके बाद हमारा एज, रिप्रोडक्टिव एज में ये गया, लेकिन ये कंटिन्यू रहता आपका एज ऑफ 60, 35 to 60, जो एनसीडी में बोले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उसमें 67% इंसान की डेथ होती है। वो भी कब होती है, मेल हो फीमेल हो, 35 to, उसमें बीपी होता है, डायबिटीज होता है, कैंसर होता है, होता है 35 to 60, जो कि अर्निंग सोर्स रहते हैं उसी समय, कमाऊ इंसान रहता है ना, क्योंकि 60 के बाद तो आदमी कमाता नहीं है हमारे इंडियन स्ट्रेटेजी के अनुसार, तो उस समय जो कमाऊ इंसान, उस समय उसका डेथ हो जाता है, तो उसकी फैमिली एपीएल से बीपीएल में गिर जाता है। और विद द इंडियन, जब तक इंसान मरता नहीं है, हम उसको कभी छोड़ते भी नहीं, पूरी सारे जमीन जायदाद तो बेच के भी उसके डेफिनेटली उसके पीछे लगेंगे, जब तक वो मरेगा नहीं, तो उसमें क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक डाउन हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट अगर एरिया का हुआ तो डिस्ट्रिक्ट का हुआ, डिस्ट्रिक्ट का हुआ तो स्टेट का हुआ, स्टेट का होता है इंडिया का हुआ। इसीलिए जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से सुन रही हूँ, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया का भी डेवलप्ड कंट्री हुआ ही नहीं, हो गया होगा तो सुनी भी नहीं। उसके बाद जो आपका एज आता है, आपका एज 45 से प्लस, उसमें एक चीज होता है ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस आप सुने होंगे, इससे वेरी डेंजरस कंडीशन। जब हम क्या करते हैं, हम अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेते हैं, हम कैल्शियम फूड नहीं खाते, कैल्शियम रिच फूड नहीं खाते, कैल्शियम टैबलेट्स नहीं लेते, मिनरल्स नहीं लेते, विटामिन्स नहीं लेते हैं, फूड सप्लीमेंट्स हमको ठीक नहीं होता है, तो क्या होता है, क्या हमको जल्दी से हमारे बोन बिकेम फ्रैजाइल। आप देखे होंगे बोन क्या होता है, उसकी जो बोन डेंसिटी वो कम हो जाता है, बोन ऐसे लगता है कि जाली जाली टाइप का हो गया है, तो अगर बोन ऐसे फ्रैजाइल बोन हो जाएंगे, तो जैसे वो चलेंगे फिरेंगे तो क्रैक्स हो जाएगा, मल्टीपल क्रैक्स होगा, एक एक मिसस्टेप में बोन क्रैक्स होने लग जाएंगे। देन आर्थराइटिस, आर्थराइटिस में क्या होता है, इंफ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स रहता है, जॉइंट्स में पेन होती है, सबसे पहले दो जॉइंट्स में पेन होती है, दैट इज नी जॉइंट्स। नी जॉइंट्स में पेन बहुत ज्यादा इसीलिए होता है कि हमारे बॉडी अगर ओबेसिटी है, तो हमारे जो बॉडी की पूरी स्ट्रेंथ वो नी के ऊपर पड़ता है, और इन्फ्लामेशन उसमें होता है, एसोटाइटर पॉजिटिव होता है, आर ए फैक्टर भी होता है, आर ए फैक्टर जहाँ पे पॉजिटिव रिएक्टिव होता है, दैट इज कॉल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जैसे ऑटो इम्यून डिजऑर्डर, हमारी इम्यूनिटी लो होने के बाद वो डिजीजेस हो जाती है, तो जो चीज हो गया हम उसको कैसे प्रिवेंशन करेंगे, हम उसको ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमारे फूड जो रहना, विटामिन्स सप्लीमेंट्स फूड रहना चाहिए, और भी विटामिन और मिनरल रिच फूड होना जरूरी है, कैल्शियम को एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, हमको आयरन कैप्सूल लेना पड़ेगा, आयरन फॉलिक लेना पड़ेगा,
ये सब चीज हमको बहुत लेना बहुत जरूरी। सिर्फ ये नहीं, हम कैल्शियम लेते हैं लेकिन उसके साथ D3 लेना बहुत जरूरी है। जब तक हम D3 नहीं लेंगे हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाए। और सबसे बड़ी बात एक चीज है, जब हम आयरन लेते हैं और कैल्शियम लेते हैं दोनों एक साथ बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। इसलिए सबसे बेस्ट है कि जो हम सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स, ऐसे वेजिटेबल्स है, नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ई, विटामिन फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम ले, क्योंकि वो साथ में हो जाते हैं एब्जॉर्प्शन बॉडी में। लेकिन जैसे हम एलोपैथी में लेते हैं आयरन के, आयरन लेते हैं और कैल्शियम लेते हैं, तो कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता अगर दोनों मेडिसिन हम साथ में खाए। इसीलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन को कभी कभी हम देखते हैं आफ्टर टेकिंग आयरन कैप्सूल्स उनकी एनीमिया होता रहता है, डाउन 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 होता रहता है। एवरी मंथ में जो चेकअप के लिए आते हैं एनसी चेकअप, एंटीनेटल चेकअप में हम देखते हैं कि उनकी आयरन कम होता रहा है। क्यों? वो तो आयरन कैप्सूल खा रहे हैं, दो दो टैबलेट खा रहे हैं, नहीं वो आयरन के साथ कैल्शियम खा रहे हैं। तो इसीलिए कैल्शियम टैबलेट कभी भी आयरन के साथ नहीं खाना चाहिए, कैल्शियम विथ फूड खाना चाहिए और आयरन विथ फूड खाना चाहिए और कैल्शियम 1 आवर आफ्टर फूड खाना चाहिए। उसके साथ अगर जब तक हम डी नहीं लेंगे, कैल्शियम के साथ डी नहीं लेंगे, वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में। और जैसे सेल्कल 500 जो एलोपैथी में दिया जाए तो क्या है, इज द सेल ऑफ एग, उसमें जब हम खाते हैं उसके 1/10 एब्जॉर्ब होता है और 9th पार्ट वो एक्सक्रीटेड हो जाता है। तो इसीलिए हमको अर्थराइटिस प्रॉब्लम को शुरू से प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ये हर किसी को आएगा। जैसे हम प्रेगनेंसी में नेग्लिजेंसी करते हैं, मेडिसिन दिया जाता है, आयरन दिया जाता है, कैल्शियम दिया जाता है, नहीं खाते। प्रेगनेंसी से तो खा भी लेते हैं, बाकी पोस्ट नेटल पीरियड में डिलीवरी होने के बाद और हम खाना भूल ही जाते हैं। ऐसे बोलते हैं बच्चे के चक्कर में हम भूल गए, लेकिन वो सब जो चक्कर रहता है उसके बाद वो थोड़े दिन के बाद जरूर निकलता है। उसके बाद हमारा आता है प्री नटल इश्यू, हेल्थ इश्यू जो रहता है। जैसे प्री नटल इश्यू जो रहता है उसमें हमको बिफोर प्रेगनेंसी एक लेडीज को प्रिपेयर करना पड़ता है, कुछ एक्सरसाइज करना पड़ता है कि वो द वेट ऑफ द बेबी को कैरी कर पाए। फिर हमको कॉन्सेप्शन से पहले, अगर हम प्लान फॉर ए बेबी, उसके 3 मंथ्स पहले ही हमको फॉलिक एसिड खाना चाहिए, जो हम नहीं करते हैं। लेकिन अगर जहां पे आप प्लान करके, बेबी प्लान कर रहे हैं, उसमें फॉलिक एसिड 3 मंथ्स पहले डेफिनेटली खाना चाहिए। और जो रेगुलर में लेते हैं, फूड सप्लीमेंट में लेते हैं तो चल जाएगा, क्योंकि वो न्यूरल डिफेक्ट रहता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो बच्चे के रहते हैं वो उसको करेक्शन करता है। समय बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में बोल रही हूँ। उसके बाद हमारा आया HIV एंड STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। HIV तो आपको सबको पता है, दैट इज एड्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। उसमें हमको डेफिनेटली उसमें थोड़ा अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सफर तो हम ही करते हैं और प्रिवेंशन हम ही ले सकते हैं। नंबर दो हुआ STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो मैं बोली बहुत सारे चीजें ऐसा है, हस्बैंड से ट्रांसमिटेड होता है, उन्हीं को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन फीमेल पार्ट में होता है। उसमें क्या होता है, आप सुने होंगे स्टिल बात होता है, बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले वो मर के पैदा होता है। वो इसीलिए होता है कि बिफोर दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम गोनोरिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और कुछ ऐसा होता है न्योनाटल डेथ, बच्चा तो पैदा हो जाता है लेकिन वो न्योनाट, हमारा बेबी जो पैदा होता है वो 28 दिन तक हम बोलते हैं उसको न्योनाट एज, 0 to 28, फिर 28 to 1 ईयर तक उसको हम बोलते हैं इन्फेंट। वो न्यूनेट में ही 28 दिन में उसका डेथ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो हम देखेंगे अगर HIV के बाद देखें, STD के बाद देखें, मैं जो बताई जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, आज की डेट में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, शायद बच्चा जब पैर घर से निकलता है, निकाल के बाहर निकलता है, तब से उसको बच्चों को ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल स्ट्रेस, बहुत टेंशन है, स्कूल से आते हैं बहुत टेंशन है। तो उस टेंशन को हम कैसे कर सकते हैं, उसमें हमें योगा मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या मेडिसिन खिलाएंगे, फूड सप्लीमेंट तो डेफिनेटली देंगे लेकिन हम उसमें क्या मेडिसिन खिलाएंगे, बच्चों को नहीं खिला सकते। जब खिलाएंगे तब हम सोचिएगा हमारे हाथ से केस जा चुका। आज तक मैं कभी किसी को ऐसे नहीं देखी जो मेंटल डिजीज के लिए मेडिसिन खाए और ठीक हो गए, कभी कोई नहीं हुए।
सिर्फ वेट गेन किए और एक ना एक मेडिसिन उनका आज तक चल ही रहा है। तो उसके लिए अगर हम योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो वो हमारा मेंटल एक्सरसाइज रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं शुरू से बताई, काउंसलिंग, वो डॉक्टर उतना अच्छा है जितना वो अच्छे से आपको काउंसलिंग कर पा रहे हैं। और बच्चों को जो स्कूल जाते, स्कूल गोइंग गर्ल्स, लेडीज, पहले लड़की जो गर्ल्स चाइल्ड, उनको ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। उसके बाद सबसे बड़ी एजिंग फैक्टर हुआ, और जो एक जब इंसान एज होने के बाद, जैसे हमको बताया ओस्टाइटिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, आर्थराइटिस प्रॉब्लम होता है, मेनोपॉजल सिम्टम्स भी होती है उसी समय, मेनोपॉजल सिम्टम्स में उनको फॉर्मिकेशन होती है, हाथ पैर में जलन होती है, सिर में होते हैं, हॉट क्रॉसिंग होता है, सिर से बॉडी से गर्म हवा निकलता है, इस टाइप के सिम्टम्स बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे रूरल बेल्ट में लोग आते हैं और बोलते हैं हमको कोई कुछ कर दिया है, इसीलिए ऐसे लग रहा है कि द क्रॉलिंग, मेरे सिर पे कुछ चल रहा है, मेरे सिर नहीं, उस सिर पे कुछ नहीं चलता, उसमें उसको फॉर्मिकेशन होता है, मतलब सिर में न्यूराइटिस प्रॉब्लम डेवलप होता है। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो जो मुझे दिखाती थी वीडियो ला के, देखिए मेरे सिर में ना कीड़े कैसे निकल रहे हैं, कीड़े निकल रहे हैं, हाँ निकल रहे, मैं नहीं तो कीड़े तो नहीं है हॉस्पिटल में, नहीं कीड़े देखिए मैं वीडियो करके लाया हूँ और कीड़े निकल रहे। वो सब क्या है कि एज फैक्टर के लिए, उसमें उसको एज फैक्टर से, एक बुढ़ापा सबसे बड़ी बीमारी है, हम बुढ़ापा को कैसे कर सकते हैं, एज को तो हम कभी अपने, वो अपने बस में नहीं है, लेकिन हेल्थ अपने बस में हो सकता है। आप अगर फूड न्यूट्रिशन अच्छे से ले रहे हैं, फूड सप्लीमेंट्स ठीक से खा रहे हैं, खाना अच्छे से खा रहे हैं, लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन करें, तो आपका एज नंबर के हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन आपका हेल्थ उसी हिसाब से डिटोरिएट नहीं करे। और सबसे बड़ी बात है इनसोमनिया और स्लीप डिजर्डर, लोग इतने ज्यादा टेंशन में रहते हैं वो सो नहीं पाते, घर के ऑफिस के टेंशन घर को ले आते हैं। अगर लेडीज औरत अगर जॉब करती है भी तो वो टेंशन है, और नहीं करती है भी तो भी टेंशन, अगर नहीं करती है तो हस्बैंड का टेंशन लेती है, और आदमी आएगा रात को टेंशन में, सारा टेंशन बीवी को दे दे, बेचारी बिना नौकरी करे भी टेंशन में रहेगी। और लेडी सबसे ज्यादा इंसोमनिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सबसे लेट सोती है, सबको खिला पिला के करके लास्ट में सोती है, और सबसे पहले उठती है, क्योंकि अगर पहले नहीं उठेगी, किसको क्या टिफिन देना है, सबको मन रखती है ना, औरत तो वही है जो सबको मन रख के सबको खुश करने की कोशिश करती है। मैं सबको यही चीज बोलती हूँ, कभी ऐसे नहीं बोलना कि हम सबको खुश करें, क्योंकि आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि हम सबको खुश रख सके, एक जन को खुश करने के चक्कर में दूसरा जरूर दुखी हो जाता है, तो वो खुश करने की कोशिश करती है, हस्बैंड के लिए ये टिफिन करना है, बच्चे के लिए ये टिफिन करना है, सास के लिए यही करना है, तो सवेरे उठती है और वो रात को सबसे लेट, सब खाना खा के सोने के बाद जाके वो जाती है। तो वह जैसे शुरू में बोली थी, आज लेडीज, आज औरत और या महिला बहुत जगह में अपना नाम कर चुकी है, लेकिन वो एक ही मुद्दा, एक ही चीज को सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करती है, वो है अपना हेल्थ को। जैसे अगर हम हेल्थ को ये करने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं बोली पहले, अभी हमको समझ में आया गया कि हमको क्या टिप्स लेना चाहिए, जैसे अभी आप सब चीज मैं बता चुकी हूँ, अभी आपका टिप्स जो मैं बताऊंगी वो आपको सबसे इजी रहेगा। सबसे बड़ा टिप्स है जा प्योर स्ट्रेस, तनाव से दूर रहिए, क्योंकि तनाव से कुछ चीज का समाधान नहीं है। अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं टेंशन लेने से वो चीज सॉल्व हो जाता है, तो मैं अपने क्लिनिक में सब पेशेंट को बोलती हूँ, इससे अच्छा बेटर है आप अच्छा सा बढ़िया सा एक चेयर खरीद दो और उसमें बैठ जाओ, अपने आपका स्ट्रेस आपका दूर हो जाएगा, स्ट्रेस दूर हो जाएगा तो कोई बीमारी दूर हो जाएगा, हमारे पास आपको आना नहीं पड़ेगा। तो स्ट्रेस दूर करने के लिए आपको सबसे बड़ी बात जो है मेडिटेशन करना पड़ेगा, मेडिटेशन इज द एक्सरसाइज ऑफ योर ब्रेन। उसके बाद है ड्रिंक मोर वाटर, पानी हमको सेफ वाटर, हेल्दी वाटर पानी पीना पड़ेगा, हमको सो प्यास लग रहा है तो मैं एक बोतल कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, वो पानी पीने में नहीं गए, हमको हेल्दी वाटर पीना पड़ेगा टू हाइड्रेट आवर सेल, क्योंकि हमारे बॉडी की 70% पानी में बना है। आप कोई भी अच्छा खाना खा रहे हैं, कोई भी फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, आप बहुत अच्छी चीज मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पानी नहीं पी रहे,
तो पानी ही जाके आपके हर ऑर्गन में पहुंचता है, हर सेल में पहुंचता है। हर सेल की 80% में पानी है, ब्रेन की 70.4% में पानी है, और आपकी 83% पानी है आपकी लंग्स में। तो जितने ऑर्गन है उसी हिसाब से उनकी परसेंटेज ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हमारे सेल को हाइड्रेट करने के लिए हमको बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। पानी बहुत ज्यादा मतलब 4 to 5 liters a day तो डेफिनेटली हमको पीना पड़ेगा। और हमको 7 से 8 घंटा सोना पड़ेगा, स्लीप 7 to 8 hours a day, जो मैं अभी बता दी इसलिए और नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम सबसे लेट सोते हैं और सबसे अर्ली उठते हैं। आज इसका एग्जाम है, जल्दी उठना पड़ेगा। आज हस्बैंड जा रहे हैं टूर में, हमको जल्दी उठना पड़ेगा। कल सास की तबीयत खराब है, हमको जल्दी उठना पड़ेगा। ये हमारे काम है। तो जैसे हमको बोला जाता है कि आजकल बोला गया है, जब बड़े बड़े मोटिवेटर्स मोटिवेशन देते हैं कि जब मन करा सो जाओ, जब मन करा उठ जाओ, ऐसे भी है बहुत बड़ी मोटिवेटर है कि रात को पढ़ो दिन को पढ़ो ऐसे कोई मायने नहीं, जब आपकी मर्जी है तब आप पाठ मतलब पढ़ाई करो, जब इच्छा है तब सो, ऐसे नहीं। मिनिमम आपको 78 आवर, तो मिनिमम भी 6 आवर बोला गया है। और हम जैसे बोलते हैं कि प्रेग्नेंट वोमेन को 6 आवर नाइट में और 2 आवर्स डे में, लेकिन ऑल टोटल अगर कोई इंसान 7 आवर to 8 आवर नाइट स्लीप लेता है, जैसे बच्चे को भी हम बोलते थे ना कि अगर कोई भी बच्चा कंटिन्यूस 10 to 12 आवर्स नींद लेता है, तो उसको ब्रेन में डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद ईट हेल्दी फूड, हम पहले से बता चुके हैं हमको फूड हेल्दी खाना चाहिए। कभी अगर सुविधा होगा तो जैसे मैडम बताया कि मेरा ट्रेनिंग हुआ है ईट राइट इंडिया, जो हम खाते हैं हम सोचते हैं को वो हेल्दी है, वो हेल्दी नहीं है। बड़े बड़े कंपनी के चीज आते हैं, उसमें FSSAI का मार्क रहता है, ग्रीन होलर ग्रीन हेल मार्क रहता है, लेकिन वो मतलब नहीं है कि वो हेल्दी है। वो फोर्टिफाइड है कि अनफोर्टिफाइड है, उसके ऊपर ईट राइट इंडिया तेल जो आता है मार्केट में, वो कौन सा, जो हम हल्दी यूज करते हैं, जो हम चिली पाउडर यूज करते हैं, वो सब हेल्दी नहीं है। उसको हम कैसे टेस्ट करके घर में ही जान सकते हैं, वो है ईट राइट इंडिया। उसी कोर्स के हिसाब से भी हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया है। तो हमको हेल्दी फूड खाना चाहिए। जब हम हेल्दी फूड खाते हैं तो उसमें हेल्दी फूड में क्या आता है, सफिशियंट वेजिटेबल्स खाना चाहिए, सफिशियंट फ्रूट्स खाना चाहिए। लेकिन जब हम फ्रूट्स की बात करते हैं, इंसान को बोलते हैं आप फ्रूट्स का दो तो फ्रूट्स का नाम गिना, तो लोग शुरू करते हैं एप्पल से, एप्पल ऑरेंज ये सब फ्रूट्स है। क्यों, मैंगो फ्रूट्स नहीं है आपके घर में, जो गुआवा मिलता है फ्रूट्स नहीं है, पपाया फ्रूट्स नहीं है, जो हमको लोकली अवेलेबल फ्रूट्स होता है वो फ्रूट्स सफिशियंट अमाउंट में हमको खाना चाहिए। फिर जैसे मैं बताई कि लिसन टू योर बॉडी, हम सब करते हैं लेडीज, और हम अपने बॉडी की बात नहीं सुनते। जब वो थक गया है, जब वो रेस्ट चाहता है, हम उसको रेस्ट नहीं देते। जब उसको खाना चाहिए रहता है, हम उसको ठीक से खाना नहीं देते। थोड़ा काम कर लेती हूँ, खत्म कर देती हूँ, उसके बाद मैं खा लूंगी। अब भूख लगा, ठीक है बच्चे आ जाने दो, फिर हस्बैंड को आने दो, फिर मैं उसके बाद खाऊंगी। तो हम बॉडी की बात नहीं सुनते। जब वो बोलता है कि सो जा, नहीं थोड़ा सा काम है कर लेती हूँ फिर मैं सो जाती हूँ, नहीं, वी हैव टू लिसन आवर बॉडी। एंड एटलीस्ट जैसे मैं बोलती हूँ 30 minutes per day और 150 per minute per week हमको चलना जरूरी है। देन विटामिन फूड्स एंड मिनरल्स फूड खाना चाहिए। वो तो आप मेरे से बहुत ज्यादा जानते होंगे कि कौन सा विटामिन किस एज ग्रुप में खाना चाहिए, प्रोटीन्स खाना चाहिए, कार्बो रिच कार्ब्स रिच फूड खाना चाहिए, विटामिन जैसे आपका नेचुरल बी आता है। जैसे आई एम ए यूजर, आई एम ए प्रोडक्ट यूजर, बिजनेस नहीं कर पाई लेकिन आई एम ए यूजर। जैसे वही जो सब प्रोडक्ट्स जो है आपके आते हैं सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स आती है, सप्लीमेंट्स करना जरूरी है। मेंटेनिंग डोज है डिफरेंट थिंग, सप्लीमेंटरी डोजेज है डिफरेंट थिंग। फिर उसके बाद ईट मोर फाइबर, फाइबर फूड खाना चाहिए। जैसे हम फाइबर फूड खाएंगे, दैट इज द फूड्स हैविंग फाइबर्स, तो हमको क्या होता है, तो हमारे पेरिस्टाइसिस मूवमेंट बहुत अच्छे से होता है, हमको कॉन्स्टिपेशन से माने राहत मिलती है। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो ओबेसिटी नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो इनडाइजेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं होगा तो आईबीएस नहीं होगा, आईबीएस नहीं होगा तो हमारे डिप्रेशन भी नहीं होगा। विजिट योर डॉक्टर एवरी ईयर,
जैसे मैं आपको एक चीज, छोटा सा चीज भूल गई सर्वाइकल कैंसर में बोलने के लिए, आपको एचपीवी एंड पैप स्मियर, हमारे जो भले हमको, मैं बोली भगवान हमको दिया है बहुत सारे डिजीज भी ज्यादा, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हमको बताया है। 15 साल पहले आपको पता चल जाएगा कि आपको कार्सिनोमा है क्या, कैंसर है क्या, सर्वाइकल कैंसर। हर लेडीज को आफ्टर एज ऑफ 35 एक बार पाप स्मियर करना बहुत जरूरी है। अगर 5 साल में आप एक बार पाप स्मियर करते रहेंगे तो आपको अर्ली प्रिवेंशन कर पाएंगे सर्वाइकल कैंसर को। और एवरी ईयर आपको डॉक्टर के पास एक बार विजिट करना बहुत जरूरी है, उनके पास जो रूटीन एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है, आपको डायबिटीज है कि नहीं, आपको हाइपरटेंशन है कि नहीं। अगर आप समझ जाएंगे तो आप हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, हम सोचते हैं दो चीज, हार्ट अटैक ब्रेन अटैक दो अलग चीज है। हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होता तो हार्ट अटैक होता है, हार्ट अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है तो ब्रेन का भी अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, हेमरेज हो जाता है, उसमें डेथ, कोमा में चला जाता है। हार्ट अटैक होने से डेथ होता है, ब्रेन स्ट्रोक होने से आदमी कोमा में चला जाता है। एंड लास्ट वन इज बी हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी रहने के लिए कोशिश करिए, हंसिए, जिसके साथ रहने को आपको अच्छा लग रहा है, जो देखने में आपको अच्छा लग रहा है, जो टीम के साथ आपको रहने से अच्छा लग रहा है, अब उन्हीं के साथ रहिए। अगर आपको जिस चीज से हैप्पीनेस मिले, किसी को पूजा करने से मिलती, लेकिन सबसे बहुत ज्यादा नहीं, अगर इंसान बहुत ज्यादा भी पूजा कर रहा है देन वो से मेंटल पेशेंट है। जिस चीज करने से आपको खुशी मिलती है वो भी एक लिमिट के हिसाब से उस चीज आप करिए और खुश रहिए। ये मेरी लास्ट मैसेज है आप लोगों के लिए, सब डीमर एचीवर सबके दे, डायनामिक लेडीज को, कि खुश रहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, पूरा वास्ट नॉलेज हार्टिली दिए। 1 घंटा, लगभग 1.5 घंटा, 1.5 घंटा होने को जा रहा है, कंटिन्यूस आप बोलते गए A to Z, हम लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिला। आई होप सब लोग दिल से सब लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए, इतना सारा नॉलेज आज हम लेके जा रहे हैं रिगार्डिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वुमेन, डिफरेंट स्टेज में क्या क्या प्रॉब्लम चेंज आता है बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस, रिलेटेड डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट देम। बहुत बढ़िया टॉक रहा मैडम, थैंक यू ए लॉट, और हम लोग हमेशा के लिए ग्रेटफुल रहेंगे आपके पास, थैंक्स ए लॉट। तो ये फ्रेंड्स, जोरदार क्लेप के साथ हम प्रतिभा मैडम का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट आप दे सकते हैं, अपना ग्रेटफुलनेस दिखा सकते हैं, और आज का सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू ए लॉट मैम, बाय बाय एवरीवन, वेलकम वेलकम। गुड नाइट।